काम करते हैं, क्यों ये भी करना, ये भी करना, वो भी करना। फिर दूसरे दिन वो जान नहीं बचती काम करने के लिए। फिर बोलते हैं आधा दिन तो तुम उठते नहीं। आज हम घूमने के लिए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? घूमने के लिए तो नहीं, पर इवनिंग वॉक करने के लिए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? नहीं इवनिंग, एक्चुअली सच बात बोलूँ तो इवनिंग भी नहीं हुई है अभी, अभी सिर्फ 3 बजे हैं, पर ऐसे ही आ गए हम घूमने के लिए। किस साइड है? शानन मैट्रिक स्कूल के पास बैठे हैं हम फिलहाल। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ, क्योंकि अभी पता क्या है, हमें घर से बुलावा आ गया अब काम के लिए। अब ऐसा है कि अभी सिर्फ पहले सिर्फ सूचना ही है, जैसे पहले आता नहीं एक वारंट आता है, उसके बाद होते हैं अरेस्ट है, तो वही है। पहले हमें सिर्फ सूचना मिल गई है, अब आएगा दूसरा बुलावा 4 दिन के बाद। तो अभी हम वैदिक स्कूल के पास पहुंच चुके हैं, और यार आप लोग इसे देख सकते हो, इस इंसान को उल्टा स्वेटर पहन के आई है जल्दबाजी में। तो ध्यान से देखिए इस शख्स को, ध्यान से देखिए। तो आपको पता कब लगा कि आपने उल्टा स्वेटर पहना है? हाँ जी, पहले तो मुझे लग रहा था अजीब अजीब है। अच्छा, फिर बाद में फिर इन्होंने बोला तूने उल्टा स्वेटर पलट 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 उल्टा स्वेटर पहन के आई है जल्दबाजी में। पर जल्दबाजी नहीं हुई थी, मैंने 2 बजे का टाइम दिया था और अभी 3:30 हुए यार गाइस दिन को। ओके, तो अभी इसने चेंज कर दी है। नाउ आई एम कंफर्टेबल। कंफर्टेबल अब तो अभी। वैसे अब गर्मी आ गई क्यों? हाँ, गर्मी आ गई। ये ऊपर आप नीलम कॉलेज, ये उधर नीलम कॉलेज, ऊपर फंक्शन है गाइस, चलो धाम खाने। हाँ हाँ, यहाँ पर फंक्शन है, मे भी यहाँ पर पता नहीं फंक्शन ही है शायद, है ना, फंक्शन है आज में। धाम खाने, देखो धाम खाने लगी इसको। चलो गाइस धाम खाने। पक्का डन? श्योर? सोच लो गाइस, मुझे बुलावा आ चुका है घर से। अब इसको पता नहीं कब आएगा बुलावा, शायद आप लोगों को भी आ गया होगा, क्योंकि अभी काम का सीज़न आने वाला है। क्योंकि थोड़ा ऐसा ना, हम थोड़ा काम अब जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि अप्रैल में अभी मेले भी होने वाले हैं यहाँ पर, तो उस वजह से हम ऐसी कोशिश करते हैं कि हमारा काम जो घर का काम है वो जल्दी हो जाए कम्प्लीट अप्रैल। अगर आपको भी आया होगा बुलावा तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे लग जाए पता है। वैसे नॉर्मली सभी को, किसी को आ गया है, किसी को आने वाला है बुलावा, इसको कब आएगा? मुझे से मतलब थोड़ा थोड़ा पहुंच गए थोड़ा थोड़ा पहुंच गए, जैसे हमें पहुंच गए, मुझे आज की थी कॉल, थोड़ा थोड़ा पहुंच गए बुलावा, थोड़ा थोड़ा अब। हाँ बोला है, मैंने बोला कि जब हमने घर से आई थी कॉल और उस टाइम बोला, ऐसे बोलते घर नहीं आना, मैंने बोला कब आना ऐसे, क्योंकि पता है कि आजकल काम का सीज़न है तो जाना तो पड़ेगा ही, हमें हमारा जो माइंड सेट होता है जब काम का सीज़न होता तब जाते हैं, तो वैसा हुआ। आप मतलब घर से बोला ऐसा कि आना, मैंने बोला कब आना, फिर मैंने बोला जब काम होगा तो बुला लेना, तो फिर बोलते कि 4-5 दिन के बाद, तो हम 4-5 दिन के बाद घर जाएंगे। आपको मे भी शायद घर का ही ब्लॉग देखने को मिले अब। ये तो इतनी खुशी यार, अभी तो इतनी खुशी होती कि घर जाना, पर जब घर में जाते हैं और मेन बात पता क्या होती है, यहाँ हमारी नींद हालांकि जल्दी चली भी जाए पर घर में नहीं जाती। पहले दिन तो हम इतना काम करते हैं, दिल खोल के काम करते हैं, क्यों ये भी करना, ये भी करना, वो भी करना। फिर दूसरे दिन वो जान नहीं बचती काम करने के लिए। फिर बोलते हैं आधा दिन तो तुम उठते नहीं हो, काम करने बुलाया है। पर सच में होता है ऐसा हमारे साथ, ऐसा ही होता है। पहले दिन तो मन में आता है ऐसे, जैसे मतलब इतनी एनर्जी वाला फील होता है, सारा काम ये काम भी हम करेंगे, खाना भी हम बनाएंगे, सब कुछ ऐसा वैसा। दूसरे दिन तो एक दूसरे को देखते हैं भाई बहन को कि भाई कर दे कोई काम। मेरे पास तो भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है, काम करने वाली एक है, उल्टा लेता है। नहीं, ये झूठ बोलती है, करता है, अकेले कोई नहीं करते।
हम भी आई थिंक सब जाए तो तब तो मजा आता है लड़ने का भी और काम करने का भी आई है मजा आता है मजा इधर तो कम्फर्टेबल है। सो गाइस अभी जेसी भी गई और ये निशा को बहुत ही ध्यान से देखती हुई कि जेसीबी को देखकर कैमरा कौन ऑन करता है। भी पता क्या हुआ जब जेसीबी आई ऊपर से तो इसको अपनी एक मतलब स्कूल की याद आई तो तब ये बोलने लगी कि हाँ मैं इस जेसीबी की वीडियो बनाऊंगी। फिर इसने मेरा फोन लिया और वीडियो बनाने लगी। फिर पता है जेसीबी में शायद दो लोग थे वो यहाँ रुक के देखते हैं जेसीबी को देखकर कौन कैमरा निकालता है। पर इसने तब निकाला क्योंकि इसकी जो यादें थी वो जेसीबी से संबंधित थी तो अभी ये बताएगी। गाइस जब हम छोटे थे ना स्कूल जाते थे तब जेसीबी में बैठ के आते थे स्कूल को कई बार बोले स्कूल से आते थे कई बार ये पढ़ते थे ये इनका घर था द्रगढ़ में और ये पढ़ते थे तरसवान में हम भी पढ़ते चला थे। था उस टाइम पर हम सद से वो ऐसे है कि हम सद से पैदल यात्रा को सपोर्ट करते हैं। एक बार आया हम ज़्यादा नहीं आगे वो बैठ के वो मिट्टी हटाने का होता है ना उसमें बैठ के आया। अच्छा एक्सपीरियंस था मज़ा आया। वैसे हर एक इंसान को ऐसे ऐसे जो अनुभव है वो क्या अनुभव की यादें होती है बचपन की वो याद होती है मजा आता है उनको सुनाने का कई बार। वो वाली तो इसने कभी नहीं सुनाई क्या इसने कभी मार भी खाई है वो वाली तो इसने कभी नहीं सुनाई। गाय जूस के लिए ना एक व्लॉग काफी नहीं होगा दो तीन व्लॉग काफी हो। हाँ वो एक एक घंटे की क्यों मैं भी हाँ फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कैसे कैसे पढ़ती थी ऐसा हुआ वैसा हुआ सब कुछ मतलब एक एक सीन चिड़ू चिड़ू ज़्यादा नहीं बता सकते फिर हमें भी अपनी थोड़ी सी वो इज्जत बना के रखने की बाय चांस घर में लगा पता ब्लॉग का ये देखेंगे तो नहीं मेरे घर में तो देखते हैं अभी भी कूटेंगे मेरे घर में तो देखते हैं। एक और आई गाइस तो यहाँ देखिए यहाँ कुछ गिरा है और इनको भी देखिए तो निशु को इसका चादर मिल गया क्यों सेम कपड़ा कहाँ जा रही है ये कर रही है वो अपना काम। तो गाइज हम इसकी इस वीरता के लिए इसको परमवीर चक्र देंगे। गाइज होली आ गई है देखो होली आ नहीं गई है रंग गई है हाँ रंग बिखर गया गाइज रंग है वो हाँ रंग ही है कृष्णा को मैं चुंग के लाऊंगी गाइज। नहीं मैंने नहीं खेली इस बार होली आई एम नॉट इंटरेस्टेड फिलहाल तो कोई इच्छा नहीं है होली खेलने की। पहले जो फर्स्ट टाइम आए थे ना हमने इधर फोटो लिए थे हाँ यहाँ चोली में खड़ के वो भी इधर इधर उधर भी नहीं क्या दिमाग था इधर उधर भी नहीं स्पेशली यहाँ जाके इसके अंदर जाके क्यों हाँ, मैं आपको पोज बताती हूँ हाँ पोज बता स्टार्टिंग में वंस अगेन प्लीज हमारे पोज थे तो ऐसे पोज ऐसे नहीं थे ऐसे भी नहीं थे ऐसे जैसे थे हाँ मतलब ज़्यादा शरीफ वाले थे यार फर्स्ट ईयर में और उस टाइम पता क्या था और उस टाइम इसका फोन था सिर्फ इसके पास था टच फोन वो भी गया गुजरा फोन था क्यों उसमें कैमरा ही नहीं था अच्छा पर फिर भी वो भी मतलब उस टाइम वरदान था कि निशा के पास आ गया फोन चलो अब फोटो खींचने के लिए तो होगा वाह जेसीबी का मेला लग रहा है। सबसे पहले इनको देखिए देखा इनको तो अभी एक मिनट रुकिए ठीक है अब देखिए इनको मज़ा आया अब थोड़ा सा और रुकिए अब वापस से इनको देखिए ठीक है देखा क्या हो रहा है, तो अब भी मैं आपको सबसे अच्छा व्यू दिखाती ठीक है प्लीज़ कैमरा ले जाइए वहाँ पर चलो यहाँ से वाह व्हाट अ व्यू क्यों व्हाट अ व्यू
हम देख रहे थे बड़े, हाँ मतलब कि क्या है, और आप लोगों ने भी देखा क्या है। चलो अब तो हम जा रहे हैं आगे की तरफ, शानदन तक चल के आते। उठा के ले जा रही है, क्यों उठा के ले जा रही है लड़की? चार पत्ते ढूंढते थे, हाँ है ना, बचपन में ये वैसे इन हम चार पत्ते ढूंढते थे और क्रिएटिविटी और मिल भी जाते थे। चल ढूंढ, यहाँ पर ढूंढ, यार समय लग जाएगा और यहाँ से गाड़ी भी आ रही है। तो हम बहुत क्रिएटिव इंसान थे, क्यों पागल। तो आप अभी बादल देख सकते हो, क्यों निशु? देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। तो अब ऐसा हुआ कि आजकल कोई भी नहीं होता, पहले हम एक टाइम होता था जिस टाइम मैं यहाँ पर नई नई आई थी, हाँ झुंड में चलते थे। तो अभी क्या शेर हो चाहे कुत्ता हो, है तो जानवर ही। रवीना की कॉल है, जोगिंदर नगर आइजा आइजा। हेलो, हाँ जी प्रणाम, प्रणाम। हेलो, हाँ जी प्रणाम, कौन कृष्ण है? क्या है क्या है, कौन कृष्ण? देखो यार बोल रहे, मुझे हिंदी में बोलने बोलो बढ़िया ही। जोगिंदर नगर रांदी कित पहुंची, कित पहुंचे के थी गटासनी निर्देशनी किस कने? सुन सुन अप्रोच रोड, अप्रोच रोड उतरे ही। कृष्णा जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? तो अभी वैसा क्या, हमारी फ्रेंड की कॉल आई थी, इसको आई थी, हमारी फ्रेंड की कॉल इसको आई थी। तो यार देखो ऐसा सब हो जाता, हमारी फ्रेंड की कॉल इसको भूल गया है गाइस, हमें भूल चुके हैं लोग। कौन है तू? तो ऐसा है कि अभी उसकी कॉल आई थी, तो हमने ऐसी कोशिश की कि वो यहाँ अप्रोच रोड के पास उतर जाए, वैसे वो चंडीगढ़ से आ रही है। तो अभी ऐसा है कि फिर ऐसा हो गया कि जो जगह डिसाइड हुई वो हुई गांधी वाटिका, तो अभी हम गांधी वाटिका जाएंगे। तो जो गांधी वाटिका वाला जाएंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी बातें होगी, बहुत सब कुछ होगा, तो वो अगले ब्लॉग में बनाऊँगी मैं। तो आज का जो ये ब्लॉग है वो पहले इनसे पूछ लेती हूँ, आपको कुछ कहना है? नहीं तो गाइज मैं सत्येंद्री आई हूँ, मेरे को नींद लगी है गाइज, मेरा ये पता क्या हुआ, ये हाँ मैंने इसको बोला था पर ये सो गई थी, फिर तो कुछ नहीं है, इसने कुछ नहीं बोला। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, बाय गाइस बाय। अब तो मुझे बात पोज, पर एक्चुअली ये उल्टा पोज ऐसा होता है, मैं हमेशा ऐसा करती हूँ। कुछ नहीं यार, अपना अपना स्टाइल क्यों या ठीक है, बाय बाय गाइस बाय बाय।